तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए। हर सरताज जिसके आगे एक सर झुकाए। आरआरआर के मेन कैरेक्टर आलूरी सीताराम राजू और कोमारम भीम की रियल लाइफ स्टोरी क्या है, आरआरआर के पोस्टर का रिव्यू क्या है और क्या ये भी कॉपीड है। इंडियन सिनेमा में पीरियड ड्रामा फिल्म रेगुलरली बनती रहती है जिनमें से अधिकतर रियल लाइफ स्टोरीज पर बेस्ड होती है। हमने लगभग उन सभी में हिस्टोरिकल इवेंट्स को पर्दे पर बना देखा है जिनकी किसी कहानियां हम बचपन में सुना करते थे। इन पीरियड ड्रामा फिल्म्स को बनाने वाले कुछ एक फिल्म मेकर्स जैसे संजय लीला भंसाली, आशुतोष ग्वारीकर, एसएस राजामौली उस समय की हूबहू झलक ऑडियंस के सामने बना पाने में कामयाब भी है। इन्होंने इस सदी की कुछ बड़ी पीरियड ड्रामा फिल्म्स दी है जैसे कि बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, बाहुबली जोधा अकबर, और इसी कड़ी में जुड़ने जा रही है एक और हिस्टोरिकल फिल्म आरआरआर बाय एसएस राजामौली। बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद राजामौली फिर एक बार 1920 बेस्ड पीरियड ड्रामा आरआरआर लेकर आ रहे हैं 2021 में। फिल्म में साउथ स्टार रामचरण है जो कि फ्रीडम फाइटर आलूरी सीतारमण राजू का कैरेक्टर प्ले करेंगे, और साथ ही जेआर एंटियर जो कि रिवोल्यूशनरी ट्राइबल लीडर कोमाराम भीम का कैरेक्टर निभाएंगे। इन दोनों ही कैरेक्टर को वैसे तो फिक्शनल स्टोरी में दिखाया जाएगा जहां ये दोनों मिलकर ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन असल जिंदगी में भी दोनों ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपना योगदान दिया था। तो आइए इनकी स्टोरी जानते हैं। पहले अल्लूरी सीताराम राजू जो कि हीरो ऑफ द जंगल के नाम से लोकल्स में मशहूर थे। इन्होंने 1882 के मद्रास एक्ट जिसके अकॉर्डिंग ट्राइबल लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे इसके खिलाफ रंपा रेविलियन शुरू की थी क्योंकि ये लो ब्रिटिश राज का था। तो सीताराम ने अपने फॉलोअर्स के साथ आसपास की चौकी से हथियार चुरा के काफी सारे ब्रिटिशर्स को मार डाला। इवेंचुअली अल्लूरी को ब्रिटिश आर्मी ने पकड़ के गनफायर से मार दिया। दूसरे थे कोमाराम भीम, ट्राइबल लीडर जो आदिवासियों के हक के लिए असफजाही डिनेस्टी से लड़े थे। हैदराबाद में निजाम रूल के समय वो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट थे और निजाम आर्मी से अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनका एक मुद्दा था कि जंगल के सभी रिसोर्सेस पर आदिवासियों का अधिकार होना चाहिए, और इसी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए गोंद आदिवासी में उन्हें गॉड माना जाता है। अब वैसे तो ये दोनों कैरेक्टर अलग अलग है, पर राजामौली ने दोनों को अपनी फिक्शनल स्टोरी में एक साथ दिखाया है। उनके अकॉर्डिंग इन दोनों रियल लाइफ हीरोज की लाइफ के कई सारे हिस्से अननोन है, तो इस फिक्शनल स्टोरी से ऑडियंस को ये जानने को मिलेगा कि अगर ये दोनों उस समय आपस में मिल जाते तो क्या होता। स्टोरी इन दोनों को एक साथ ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ते हुए दिखाएगी। अब बात कर लेते हैं इस मच अवेटेड फिल्म के पोस्टर की। हाल ही में इसका पोस्टर रिलीज हुआ है जिसमें रामचरण घोड़े पर है और जेआर एंटियर बाइक पर, और दोनों ही कॉमन एनिमी ये टारगेट की तरफ भरते दिख रहे हैं। बैकग्राउंड में हम आरआरआर लिखा हुआ देख सकते हैं। पोस्टर के सामने आते ही फैंस ने इसे हॉलीवुड फिल्म घोस्ट राइडर के पोस्टर की कॉपी बताने में देर नहीं की। इस पोस्टर और टीजर दोनों में ही कॉपी करने के लिए राजामौली को काफी ट्रॉल भी किया गया। पोस्टर को देख के यही लग रहा है कि ये घोस्ट राइडर से इंस्पायर्ड तो जरूर है, पर ये पोस्टर कॉपी का पहला केस नहीं है। बॉलीवुड फिल्म्स के तो काफी सारे पोस्टर्स हमने ऐसे देखे हैं जो कि हॉलीवुड से कॉपीड है, फॉर एग्जाम्पल जीरो, रावण, पैंथम एक्सेट्रा।